महाराजगंज ज़िले में जन कल्याण को के कार्यों को अगर देखा जाए तो श्री श्री 108 महाराज श्री मोहन दास जी द्वारा किए गए कार्यों के बारे में अगर जाना जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया है। उसी के संबंध में आज हम आए हैं महाराजगंज ज़िले के पथरियावां, हथियागढ़ पथरियावां में स्थापित एक कुटी है और जो कि काफ़ी भव्य कुटी है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सामने एक तालाब भी है और श्री हनुमान जी का मंदिर है और इधर प्रभु श्री राम माता जानकी का मंदिर भी स्थापित है। उनके द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में जानकारी दे रहे हैं महाराज जी। तो महाराज जी, बाबा जी ने यहाँ पर क्या क्या अच्छा कार्य किया है, थोड़ा उसके संबंध में आप जानकारी दीजिएगा। सीधा महाराज जी तो इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया था जी जी। यहाँ तो उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही पहले तो उन्होंने संन्यास धारण कर लिया जी। और संन्यास धारण करने के बाद उन्होंने बहुत जगह पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने भ्रमण किया जी। भ्रमण करने के बाद करीब 14 कुटी उन्होंने बनाया पूरे भारत में। 14 जगहों पर उन्होंने कुटी बनाया। उनका गुरु स्थान महाराजगंज जिला में ही है जी, बिलहिया में, हरना का बिलहिया में जी। हाँ, और सुनौली में उनकी कुटी है, सुनौली अजगराहा में उनकी कुटी है जी, और अड्डा में है जी, और फिर आपके मोहनापुर में है, मोहनापुर में। हाँ जी, ये उनका जन्म स्थान है, ये पथरियावां स्थान से नाम से जाना जाता है जी जी। हाँ, ये प्रॉपर में तो हथियागढ़ में है लेकिन पथरियावां के नाम से विख्यात है जी। हाँ, और इधर कुछ समाधि भी हम देख रहे हैं। हाँ, समाधि पूर्व वाली समाधि जो है कि पिता सिंह है। अच्छा अच्छा, उनके पिताजी की है जी, पूर्व में समाधि है। और बीच वाली समाधि जो है उनके बड़े पिता, उनके बड़े पिता की है जी। और उसकी समाधि जो है जी जी जी, खुद आप ही का है। अच्छा अच्छा, बाबा मोहन दास जी जी जी। तो इसके अलावा जन कल्याण के संबंध में उन्होंने कुछ काम किया था औषधियों का जी जी, तो उसके संबंध में क्या क्या औषधियाँ बनाते थे। डॉक्टरी उनकी बहुत बढ़िया चलती थी जी जी। हाँ, जड़ी बूटियाँ जंगलों से मंगवा कर जी जी, कूट पीस के बनाना जी, यानी बहुत ही बढ़िया काम था ये जी जी। यहाँ पर जंगल जो पास में है सोहगी बरवा वन्यजीव प्रभाग है, और पास में सोहगी बरवा है और उसी से सटा हुआ बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र है जी। और इधर नेपाल का चितवन है, चितवन है जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो तीनों सटा हुआ है जिससे ये बहुत ही विशाल जंगल का रूप है, और इसमें काफ़ी और जन उपयोगी औषधियों भी, औषधियाँ भी मिलती हैं इसमें मिलती। और हमें पता चला है कि वहाँ से मंगाते थे बाबा जी, और जन कल्याण की यहाँ पर औषधियों का निर्माण किया जाता था और फ्री में। हाँ, सब पूरी दवाएं सब फ्री में होती थी, कोई शुल्क उसका नहीं लिया, कोई दवा हाँ जी जी। और अब ये भी पता चला पूरे दुनिया, पूरे भारत में जो लोग भटक के आते थे कहीं नहीं ठीक होता था, यहाँ से आके यहाँ ठीक हो, यहाँ पर ठीक होते थे। ये चाहे उनका आशीर्वाद कहें या फिर कला कहें या फिर उसके औषधियों के संबंध में जानकारी कहें, काफ़ी अच्छा लोगों फायदा भी होता था। लेकिन अब वो बंद कैसे हो गया ये बात नहीं समझ आ रही। अब जब से उनका देहांत हो गया जी, अब उन पुस्तकों को कोई देखने वाला नहीं जी जी, कोई विचार करके करने वाला नहीं, इसलिए वो सब काम बंद हो गया। फिर भी पुनः उनके बताए द्वारा कुछ औषधियाँ बनती हैं, यहाँ दवाएं भी चलती हैं। अच्छा, हाँ, बुखार की दवा चलती है यहाँ जी जी, और चमड़ी रोग की दवाएं मिल जाएंगी आपको, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ दवाएं भी चलती दवा मिल जी जी। अच्छा अच्छा, तो औरतों के संबंध में भी कुछ अगर समस्या है तो उसकी भी दवाएं आज हाँ, आज मिल भी जाएंगी। मिलती हैं हाँ। तो गिलोय वगैरह का गिलो वगैरह बनता है, और ये अरुस है जी, घोर बरुआ है जी, और क्या है गुरु जी, हर श्रृंगार है, हर श्रृंगार। तो काफी औषधि पौधे भी लगाए गए हैं। हाँ, लगाए गए यहाँ भी प्राप्त करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आइए थोड़ा देखा जाए क्या क्या है थोड़ा उसके संबंध में। लाभ अभी दिखाओ। तो इधर देखना तुलसी भी लगा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुलसी का पौधा देखिए, काफी अच्छा चीज़ है, गुणकारी है, सर्दी जुखाम बुखार वगैरह में भी अच्छा काम करता है।
अभी ये औषधि आपको, और ये का औषधि है पत्थर चट्टा शायद है, हाँ पत्थर चट्ट है जी जी, अब बीच में वो अली औषधि आपको क्या बोलते हैं एलोवेरा भी लगा हुआ है, हाँ एलोवेरा लगा हुआ है, ये आपका हरसिंगार का पौधा, हरसिंगार का, अच्छा हरसिंगार का पौधा किस काम में आता है, ये बुखार की दवा में भी काम आता है, फूल देता है जी जी, ये हरी को चढ़ाया जाता है, भगवान को चढ़ाया जाता है जी जी जी, और इधर कुछ ला रहे हैं महाराज जी, ये भी वही वही, अच्छा ये भी वही पत्थर देना है दवा, अच्छा उनको दवा देना, अच्छा अच्छा अच्छा, गोरखपुर कर्मचारी आलवाड़ा कर्मचारी गोरखपुर, अच्छा अच्छा अच्छा, गोरखपुर से हैं उनको देना है, हाँ उनको देना है, ये पत्थर चट्टा की दवा है, हाँ ये गोरखपुर आए हुए हैं कर्मचारी, तो उनको दिया जाएगा, दिया जाएगा, तो हालांकि कई जगह मिल जाए लेकिन हमको लग रहा है कि यहाँ का कुछ आशीर्वाद है इस वजह से लोग आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छा ये देखा जाए कुछ आश्रम पुराना पड़ा हुआ, भंडार घर है, ये भंडार घर उस समय का है, हाँ तो यहाँ पर पहले यहाँ पर लोग रहते थे, अभी भी रहते हैं, अभी भी रहते हैं, उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है भंडार घर है जी 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 जी, और इधर अब वो पुराना कुआं है, इधर पुराना कुआं लगा हुआ है, बहुत ही पुराना कुआं है, तो अब तो इसमें से कुछ पानी वगैरह का, हाँ पानी उसमें है अभी, पानी वहाँ भी है, यूज नहीं होता होगा ना, नहीं नहीं यूज नहीं होता है, हाँ, पानी है, पानी है अभी उसमें, इधर केला वगैरह काफ़ी लंबा क्षेत्र इधर जमीन, हाँ, है मंदिर के नाम से ही, हाँ, तो मेला वगैरह भी यहाँ लगता है, हाँ, शिवरात्रि में मेला भी लगता है, हाँ, तो आओ अच्छा बाबू इधर दिखाओ थोड़ा, इधर ये भी छोटा सा मंदिर बना हुआ है, ये महाराज जी का, अच्छा ये महाराज जी का है, और इधर ये समाधि है, तो ये महाराज जी के गुरु जी का शायद है, उनके पिता, उनके पिता और बड़े पिता का है, ये समाधि इधर बनी हुई है, अच्छा इधर सरोवर लगा है, थोड़ा सरोवर दिखा दो, बड़ा सुंदर सरोवर दिख रहा है, शंकर जी का मंदिर है, शंकर जी का इधर मंदिर लगा हुआ है, और सफ़ेद गुलाब, सफ़ेद कमल है, आइए आइए इधर देखा जाए, इधर दिखाओ बाबू सफ़ेद कमल दिखाओ इधर, ये हालांकि बहुत कम देखने को मिलता है, आप गुलाबी या लाल कलर का जो आता है वो तो देखने मिल जाता है, लेकिन ये सफ़ेद कलर वाला कमल आपको जल्दी देखने को नहीं मिलता है, हालांकि थोड़ा जलकुंभी वगैरह है इसमें, अगर साफ हो जाए तो बड़ा ही सुंदर जगह पर है ये, अच्छा बाबा जी के नाम से स्कूल भी है, उधर पीपल और पाकड़ का बरगद का पर्यावरण से आच्छादित वृक्ष भी लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा पर्यावरण से आच्छादित जगह भी है ये हम देख रहे हैं इधर, अच्छा तो इस प्रकार से शंकर जी का मंदिर है, तो इस प्रकार से हम इन सबको अवलोकन किए और काफ़ी अच्छा लगा, ओके धन्यवाद मित्रों, बहुत अच्छी जगह है ये, बंद करो।